देखो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाभी के घर। बाकी तो जो नीचे वाला खेत था उसमें से मैंने पूरा प्याज निकाल दिया और कितना हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना मेहनत करके फल जरूर मिलता है, भले ही कम मिले या ज़्यादा लेकिन मिलता जरूर है। कुछ बताओ ससुराल ससुराल को आने रहे हो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, होप करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे। और आज सुबह सुबह उठ के ना मेरा मूड ख़राब हो गया, और मेरा मूड ख़राब क्यों हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा तो कर लिया है मैंने, बाकी आज का मौसम भी आपको दिखाती हूँ और मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आज मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है और धूप काफ़ी तेज़ भी लग रही है। देखो सूर्यदेव यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरा मूड इसलिए ख़राब हुआ जो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि एक बैल छोड़ा हुआ है किसी ने, तो वो हमारे घर में कल रात को आके मेरे सारे बीन्स खा के गया। मैंने इतनी मेहनत से लगाए थे और सारे बीन्स उसने खा दिए। देखो बीन्स भी आ रहे थे इसमें लेकिन उसने सारा खा दिया है। और मेरा सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया, मैं उठते ही मम्मी ने मेरे को बोला कि बैल ने सारे बीन्स खा दिए। मेरा दिमाग ख़राब क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके इनको मतलब गुड़ाई करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और लास्ट में खाने के टाइम पे कोई और खा जाता है। मम्मी और मैं आ गए हैं आज प्याज निकालने के लिए। देखो यहाँ भी हमारा सारा प्याज ख़त्म कर दिया, वैसे ही बारिश ने ख़त्म कर दिया था। और यहाँ देखो गाय बिच्छू ने फिर से ख़त्म कर दिया है, देख सकते हो यहाँ आलू के पेड़ भी पूरा खा दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो नीचे वाला खेत है उसमें से मैं निकाल रही हूँ प्याज और मम्मी इनको साफ़ कर रही है। तो इस वाले खेत में तो छोटा छोटा हो रहा है क्योंकि ये हमने थोड़ा पास पास में लगा दिया था, तो इसलिए छोटा भी हो रहा है और बाकी गाय ने भी खा लिया था ये। तो मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और मम्मी इसके पत्तों को काट के इसको डलिया में रख रही है। तो जो नीचे वाला खेत था उसमें से मैंने पूरा प्याज निकाल दिया और कितना हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना थोड़ा छोटा छोटा ही हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा क्या घाव ना मम्मी, मतलब पास पास में हो गया था तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, इतना ही छोटा छोटा सा प्याज हो रहा है इसमें। जो भी है मतलब थोड़ा बहुत हो ही गया, डल्ले में दिखाती हूँ, बाकी ऊपर का निकालना है अभी हमने। तो इसमें अभी नीचे वाले से इतना हुआ है, अभी इसको अच्छे से काटेंगे, पहले सुखा लेंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा तो सही हो जाएगा ये। मम्मी वहाँ प्याज को मतलब प्याज के पत्ते काट रही है, अभी थोड़ा और बचा है, बाकी मैं आ गई हूँ ऊपर। और ऊपर का प्याज देख सकते हैं गाइस कैसा हो रहा है, बारिश ने सारा नुकसान करके रख दिया। ऊपर के दोनों क्यारी भी मैंने खोद दी है प्याज, और अभी इतना हो रहा है, बाकी भी इतना काटना है और एक और खेत बचा हुआ। बाकी हमारा प्याज इतना हो रखा है। मेहनत करके फल जरूर मिलता है, भले ही कम मिले या ज़्यादा लेकिन मिलता जरूर है। देखो हमने इतनी मेहनत करी थी, मम्मी और हम लोग सब लोग पानी वानी डालते थे, इतना करता था, आज इतना प्याज हुआ है हमारे घर पे ही खेत में, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। पर और ज़्यादा अच्छा होता अगर गाय बकरियाँ नहीं आती यहाँ, तो मतलब जो बैल आता है वो खा जाता है और बाकी बारिश ने थोड़ा ख़राब कर दिया था, वरना और अच्छा होता। और इसलिए हमने जल्दी भी खोद दिया ये, पर अच्छा लग रहा है आज मेहनत करके इतना फल मिला हमको। आज मैं और मम्मी जा रहे हैं बुआ के घर, मतलब बुआ तो अभी है नहीं, पर फूफा जी भैया भाभी लोग सब लोग हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी दीदी मेरे बाल बना रही है, देखो मेरे से ना बाल भी नहीं बनते दीदी बना रही है। तो क्या इससे अपने बाल भी नहीं बन रहे हैं, बाल के लिए भी मेरे से बोल रही कि मेरे बाल बना दे, तो मैं इसके बाल बना रही हूँ अभी। गैस बाल बन तो जाते हैं पर चुटियाँ नहीं बन पाते ना, मेरे सब फैन चुटियाँ खुद की, तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ बनाने के लिए। गैस मैंने चुटियाँ इसकी इस तरीके से बना रखी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी स्कूटी लेके जा रहे हैं। मैं मम्मी वहाँ रोड से आएगी, मैं पेट्रोल लग लाऊंगी स्कूटी में क्योंकि स्कूटी में तेल कम है। गाइस मैंने काफ़ी दूर से और कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम बाद लाइनर लगा रखा है। तो गाइस मम्मी भी रेडी हो चुकी है, कैसा लग रहा फिर आज? बहुत अच्छा लग रहा है, आज वहाँ मेहमानों के वहाँ जा रहे हैं, आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के पास, तो ये देख सकते हैं अल्मोड़ा अपना, बाकी यहाँ पे ना आम के पेड़ भी हो रखे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं लोटिया मार्केट में, अभी यहाँ से मैंने ले ली है मिठाई, बाकी फ्रूट्स वगैरह लेंगे हम आगे से। गाइस फ्रूट्स वगैरह भी मैंने ले ली हैं, बाकी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाभी के घर।
ब्लॉग में नहीं आने वाले भाभी हमारे, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? ठीक। फूफा जी और मम्मी की चल रही है यहाँ पे बातें, बाकी मैं भी बात कर रही हूँ। और बताओ फूफा जी, के क्या बताओ यार, कुछ भी बताओ। ससुराल ससुराल को आ नहीं रहे हो आप? अब ऐसा है ना, हाँ अब आऊंगी तो ऐसे ही करना। फिर आना कभी, आराम से बैठ रहोगे अपने ससुराल में, टेंशन मतलब आपको सारी वो मिलेगी वहाँ फैसिलिटी। भाभी बना के ला गई है गर्मा गर्म चाय, साथ में बिस्किट, बाकी सब लोग पी रहे हम चाय। क्यों कहा तुम, बोला आओ जल्दी आओ। तो ये है बड़ी भाभी हमारी, और ये बना रहे हैं अपनी दुकान के लिए मोमोज। तो भाभी लोगों ने यहाँ पे पाल रखे मुर्गी, और ये मुर्गी ने ना इतने सारे बच्चे दिए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं चूजे। तो गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं विकास भवन के पास, और यहाँ से अपना अल्मोड़ा इतना प्यारा नज़र आ रहा है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सनसेट भी हो गया है। और तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और अभी थकान भी। तो शाम को जब भाभी लोग के घर से आए थे मैं और मम्मी, तो उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैं थोड़ा थक भी गई थी, क्योंकि स्कूटी स्कूटी चलाने में थोड़ा कमर वमर भी दर्द कर था मेरा, और वैसे भी थोड़ा दो चार दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रही है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो बाकी कल अच्छा, वैसे भी अच्छा लगा क्योंकि भाभी लोग के घर गए थे, सबसे मिले और बात बातें करी, तो काफ़ी टाइम बाद मिले तो अच्छा लगा। और बाकी वहाँ भी ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि होता ही है ना, मतलब जब हम रिश्तेदार के साथ जाते हैं तो बात बात करने में ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो ब्लॉग व्लॉग का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए। और बाकी एक और खुशी थी कल, मतलब कि मतलब हमारे खेत में प्याज व्याज हुआ था, जितना भी था अपने खेतों का बहुत था, और अच्छा भी लगा, मेहनत करके फल मिला, तो इसलिए ब्लॉग आज एंड कर रही हूँ मैं दूसरे दिन। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ। तो चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल ब्लॉग्स पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।